हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम स्पंज से प्रिंट करेंगे और एक अच्छा सा ड्राइंग बनाएंगे। तो आपको स्पंज लेना है और वाटर कलर में आपको शेडिंग में करना है। तो मैंने जो कलर लिया है वो ज़रूरी नहीं कि आप वही कलर यूज़ करें, लेकिन यहाँ पे मैंने देखो येल्लो, और आपको इस तरह से स्पंज से शेडिंग करना है। देखो ऊपर का पार्ट जो है तरह से आपको कौन से प्रिंट करना है। स्पंज की जो इफेक्ट है वो दिखनी चाहिए, पूरे में हमें नहीं करना है। उसके बाद मैंने लिया है ऑरेंज कलर, तो उसके नीचे हम यहाँ पे ऑरेंज कलर इस तरह से कर देंगे। और लास्ट में हमें करना है उससे जो डार्क कलर है, रेड कलर। यहाँ पे हम रेड कलर लेंगे। देखो इस तरह से पूरे पेज में आप स्पंज से अच्छी सी प्रिंट आपको लेनी है। इस तरह से व्हाइट पार्ट भी दिखाई देना चाहिए, स्पंज की प्रिंट दिखनी चाहिए। देखो इतना होने के बाद आपको क्या करना है, ये कलर हमें ड्राई होने देना है। उसके बाद क्या करना है वो मैं दिखाऊंगी। अभी देखो क्या करना है, मैंने एक पेपर में देखो यहाँ पे कैट कटिंग करके रखी है। तो बाद में क्या करना है, ये ड्राई होने के बाद इसकी भी हम स्पंज से प्रिंट करेंगे। देखो ये ड्राई हो गया है। अभी क्या करना है आपको, जो हमने कटिंग किया है, अगर आपको कटिंग अच्छे से नहीं फंसा है तो आप मम्मी पापा की हेल्प लेके कर सकते हैं। फिर क्या करना है, स्पंज से ही ब्लैक कलर लेना है, ओनली ब्लैक कलर। और फिर सेंटर में यहाँ पे साइड में रखना है, क्योंकि हमें दो बार उसकी प्रिंट लेनी है। देखो इस तरह से फिर मैंने ये उठा लिया। अभी दूसरी बार यहाँ पे हम कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये टच ना हो जाए, क्योंकि ये गीला है अभी। देखो दूसरी बार भी इस तरह से यहाँ पे रख के आपको ब्लैक कलर से इस तरह से पेंट लेनी है, और धीरे से ये भी उठा लेना है। देखो अच्छी सी कैट की इमेज आपको मिल गई। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे नीचे हमें ब्लैक कलर से जैसे ही वॉल पे बैठी है उस तरह से आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ये उसकी जो टेल है वो नीचे आनी चाहिए। इस तरह से आपको ब्रश से सीधी लाइन बना लेनी है। आप चाहो तो अगर आपको डायरेक्ट ब्रश से नहीं फाता है तो ब्लैक स्केच पेन यूज़ कर सकते हो। स्केच पेन से भी इसके ऊपर अच्छे से लाइन बनी है, और फिर नीचे इस तरह से सीधी लाइन बनी है। जैसे हमारी बालकनी में दो कैट बैठी है उस तरह का आपको ये ड्रॉइंग लगेगा। देखो इस तरह से आपको ये ड्रॉइंग करना है। अगर आप यहाँ पे कुछ इमेज देना चाहो, जैसे कि फ्लाइंग बर्ड या फिर कोई ट्री, देखो इस तरह से अगर आप ट्री ड्रॉ करना चाहो तो भी ब्रश से बना सकते हो, तो भी ये अच्छा लगेगा। ज़्यादा कलर इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली इतने कलर में ही ये ड्राइंग अच्छे से आपका
बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइंग बनेगा। देखो इस तरह से आप लीव भी बना सकते हो। देखो ये हमारा ड्राइंग हो गया है। तो इस तरह से आपको ये ड्राइंग कौन से कंप्लीट करना है। थैंक यू।